It is proved clearly barbecued meats are directly related to all the esophageal gastric cancers because protein mein nitrogen component hota hai and that gets converted into nitrosamines and which is a direct toxic for the cell genes and which can convert a normal cell into a cancer cell. So barbecue karke ke non-vegetarian protein khate hai ya isme paneer diya jata natural organic animal plant based ho ya animal based yes. ho protein ko agar barbecue karte hai yani ki jo thoda sa kala ho jata hai wo DNA damage bhi karta. Kitne sare logon ne mujhe ye video share kiya hai matlab kya ab hum नॉर्मल पनीर या चिकन टिक्का भी नहीं खा सकते तो मैंने सोचा क्यों ना फूड साइंस एक्सपर्ट से ही पूछ ले। अबे यार प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर कुक करने से नाइट्रोसमीन्स नहीं बनते, प्रोसेस मीट्स जैसे सॉसेज या बेकन को ग्रिल करने से बनते हैं और वो भी जिसमें नाइट्राइट्स ऐड हुए हैं जो प्रिजर्वेटिव्स हैं। नाइट्राइट्स अमाइनो एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रोसमीन्स बनते हैं और सालों साल रोज सॉसेजेस खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और ये भी सुन लीजिए, आजकल काफी सारे सॉसेजेस बनाने वाले कंपनीज नाइट्राइट्स ऐड नहीं करते, लेबल को पढ़ लो आप, और चिकन मटन या पनीर में ये रिस्क है ही नहीं। प्रोटीन खाओ, ऐसे गुमराह करने वाले डराने वाले वीडियोस को मत खाओ। सो प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेजेस एंड बेकन को रेगुलरली कंज्यूम मत करो, लेकिन पनीर या चिकन टिक्का से तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बाहर खाने जा रहे हो तो पनीर टिक्का वेजिटेरियंस के लिए और चिकन टिक्का नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक हेल्दी प्रोटीन ऑप्शन है। स्टे सेफ।